नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आईपीएल की शुरुआत हो चुकी थी 26 सितंबर यानी परसों के मैच से, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच से। पर असल मायनों में आईपीएल की शुरुआत हुई है कल। सुपर संडे था, सुपर डुपर एक्साइटेड, एक्साइटमेंट देखने को मिली, एंटरटेनमेंट देखने को मिला, रन बरसे देखने को मिला। अभी कुछ दिन पहले रन बरसे हुआ था होली के रूप में, अब यहाँ पर रन बरसे स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही मैच धमाकेदार थे, चाहे वो इवनिंग का मैच हो या फिर नाइट वाला मैच। तो आज हम बात करेंगे सेकंड वाले मैच की। सुबह वाली मैच की तो हमने खासकर बात कर ही ली थी शाम को ही। तो सबसे पहले अगर उससे बात करेंगे उस पूरे मुद्दे पर कल वाले रात के मैच की, तो उससे पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। आपको सारी क्रिकेट की अपडेट, सारे स्पोर्ट्स की अपडेट मिलने वाली है गेम ऑन पर। जल्दी जल्दी सबसे फास्ट अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेगी। और बाकी हम सारे मैच का रिव्यू करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब शुरू करते हैं मैच में हुआ क्या। बैंगलोर आती है बल्लेबाजी करने और डू प्लेसिस जो कि चेन्नई में पहले थे और अब इस बैंगलोर टीम के कप्तान है, उनकी लगता है परछाई आती है। पहली जो शुरुआत की 30 उस बॉले होती है, 32 बॉले, वहां पर उनके रन रहते हैं मात्र 17 से 18 रन। फिर वहां से जो वो रौद्र रूप धारण करते हैं, 91 रन की पारी खेलते हैं, उनका साथ देते हैं कप्तान विराट कोहली जो कि बनाते हैं 41 रन। और फिर जो कैमियो खेलते हैं लास्ट में डीके कोलकाता में थे तो लग रहा था कि अब तो वो खत्म, करियर खत्म हो गया, पर यहाँ पे जिस तरह से कैमियो खेला उन्होंने, जबरदस्त नॉक खेली और टीम को पहुंचा दिया 200 के पार, 210 तक। अब बारी थी पंजाब की। अब भैया पंजाब ने क्या किया? पंजाब तो शुरुआत से ही हमला बोला उन्होंने। मयंक अग्रवाल, शिखर धवन फ्री फ्लोइंग बैट्समैन, बिल्कुल इजीली खेल रहे थे, कहीं भी कोई समस्या नहीं लग रही थी। पर यह था कि उतना भी मतलब ये नहीं था कि एक तरफा मैच कर दिया था उन्होंने या फिर पूरी तरह से हावी हो गए थे, पर यह था कि मैच में हमेशा से वो बने हुए थे, शुरुआत से हमला बोला हुआ था उन्होंने, सारी चीजें चल रही थी। पर जब आउट होते हैं मयंक अग्रवाल, फिर भाई जो श्रीलंकन बैटर भानुका राजापक्सा, मैं तो बहुत एक्साइटेड था उनको देखने के लिए, क्योंकि जितना मैंने उनको देखा है किसी भी लीग में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में या फिर जो इंडिया से उनकी सीरीज हुई थी, जो शॉट्स मार रहे थे, मतलब वो उनपे दिख रहा था कि ये प्लेयर है, कुछ खास है, ये लंबे लंबे शॉट लगा सकता है। तो उनको मैं देखने के लिए एक्साइटेड था और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जिस तरह से बल्लेबाजी की और दिखाया श्रीलंकन प्लेयर्स भी हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं, तो दूसरी तरफ वनीतू हसरंगा भी थे, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि पर एक दो ओवर में वो रन खा गए थे। पर पहला ओवर अगर देखे तो शानदार, पहले ओवर में विकेट छटका दिया था उन्होंने पहली बॉल पर ही, इवन वो सारी चीजें हुई। पर आखिरी में जो कहर ढाया है ओडियन स्मिथ, माय गॉड, मैं तो जब से कह रहा हूं, अगर मेरी पूरी वीडियो आप देखेंगे उठा के, जब से मैंने वीडियो बनाई है मैं हमेशा कह रहा हूं कि ओडियन स्मिथ एक खरा सोना है भाई, क्योंकि जहां तक मैंने उनको देखा पूरा स्लीपर उठा के देखिए, 140-145 की बॉल डालता है, तगड़े शॉट्स लगाता है, मेरे ख्याल से रसल को सरपास कर सकते हैं अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रही इनकी, क्योंकि जो पावर देते हैं भाई आपको, 8 गेंदों में 25 रन बना दिए, एक कैच छोटा, उसके बाद कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने, ऐसे मारा छक्का, हर तरफ शानदार शॉट्स लगाए और पंजाब की जीत कर दी सुनिश्चित। बाकी एक समय लग रहा था कि पंजाब भी फंस जाएगी जब मयंक अग्रवाल आउट हुए, उसके बाद फिर आउट हो गए, राजंकत बाबा को भेज दिया तो वो भी आउट हो गए, शाहरुख खान फिर उतना तेज नहीं खेल पा रहे थे वो थे, लेकिन ओडियन स्मिथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, लंबे लंबे शॉट्स लगाए और एक तरफा जिता दिया किसको, किंग्स इलेवन पंजाब को, यानी पंजाब किंग्स को। अब पर अब पंजाब का देखना पड़ेगा, पंजाब खतरनाक नजर आ रही है इस साल, अभी तो उनके पास रबाड़ा नहीं थे, रबाड़ा आएंगे, उसके बाद देखना होगा क्या टीम नजर आ रही है पंजाब। तो ये सारी चीजें थी, अब आप बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, क्या आप आरसीबी के फैन थे या पंजाब किंग्स के, और आप जिता किसको रहे थे। और आज के मैच पे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, जब तक कि इस वीडियो को आप प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।